आए अब एक क्वेश्चन देखते हैं कैश फ्लो का भी और उसमें भी देखें कितनी टेक्निकलिटीज़ हैं कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे एडजस्ट होनी है वो हम रीड आउट करते हैं देखिए सोफा कंपेरेटिव बैलेंस शीट इज़ देयर पेड पेडअप कैपिटल है शेयर प्रीमियम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है डिवेंचर्स हैं डिफर टैक्स है क्रेडिटर्स हैं है, ये फिग्रें क्लियर हैं बैंक ओवर ड्राफ्ट भी है कॉर्पोरेशन टैक्स पेएबल भी है डिविडेंट पे परपोज भी है और डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट और डेप्रिसिएशन ऑफ डेप्रिक्स फिटिंग ये सारी चीज़ें जो हैं और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी है प्लांट एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट और ये वो सारी क्लियर है अब क्वेश्चन ये है कि हमने इनकम स्टेटमेंट इसमें नहीं दी हुई क्योंकि नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट होती है तो उसमें से कुछ फिग्रे हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इस केस में प्रॉब्लम यह है कि उसने बैलेंस शीट दे दी और साथ आपको उसमें सारी फिग्रें डाल दी जो इनकम टैक्स रिलेटेड हैं टैक्स रिलेटेड हैं सब चीज़ें इसमें डाल दी हुई हैं लेकिन हमें प्रॉफिट की फिक्र नहीं मिल रही तो मेन इशू ये है कि अगर आपको प्रॉफिट की फिक्र अवेलेबल है सच नहीं है लेकिन रिटेन लर्निंग की प्रफिकर तो है वो नहीं वो तो रिटेन लर्निंग है जो बच गया हमने देखना है कि इस पर्टिकुलर ईयर में हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग तो इस क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि जितनी भी पॉसिबल हो सकती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मैं डाल दूँ देखें देर हैज़ बी नो डिस्पोजल ऑफ फ्री ओल्ड प्रॉपर्टी इन ईयर ये तो खत्म हो गई बात के फ्री ओल्ड प्रॉपर्टी में जो चेंज आएगी अगर बढ़ गई है तो खरीदी गई है डिस्पोजल तो कोई वाला नहीं है लेकिन अगर बढ़ी है यानी पहले से ज़्यादा हो गई है तो क्यों बढ़ी थी कि दो सूरतें होती हैं या तो सरप्लस की वजह से हुई है रिवॉल्यूशन की वजह से अगर रिवॉल्यूशन की वजह से भी हुई है तो भी आपने नहीं खरीदी खरीदी तभी है जब आपकी कॉस्ट जो थी उस बढ़ गई आपने खरीदी तो ऐड ऑन हो जाएगी द मशीन टूल कॉस्ट एट मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सिक्स मिलियन डेप्रिसिएशन हैज़ बिन प्रोवाइडेड इसका मतलब ये है कि ये दो मिलियन की कैरिंग वैल्यू रह गई आठ का था उसके अगेंस्ट छः मिलियन की डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दी तो दो मिलियन की रह गई वॉज सोल्ड फॉर थ्री मिलियन तो देखिये तीन मिलियन का बेचा है तो ये आपका जाएगा स्ट्रेट अवे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और इसमें जो एक मिलियन का प्रॉफिट है गेन है वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगेन मैं वर्किंग दिखाऊंगा उसमें जहाँ ये एडजस्ट हो जाएगा उसके बाद इन फिक्चर्स विच हैड कॉस्ट फाइव मिलियन और जिसके अगेंस्ट टू मिलियन की डेपोजिशन चार्ज हो चुकी है तो बाकी उसकी कैरिंग वैल्यू बची तीन मिलियन वो सोल्ड फॉर वन मिलियन आपका ये वन मिलियन जो है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो में आएगा और जो दो मिलियन का लॉस है वो अगेन प्रॉफिट में एडजस्ट होगा क्योंकि गेन और लॉस हम इनकम स्टेटमेंट में लेके जाते हैं यहाँ चूंकि हमारे सामने इनकम स्टेटमेंट नहीं है अदरवाइज़ अगर होती तो यकीन ये लॉस और गेन वहाँ एडजस्ट हुआ होता तो हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस कि हमारा इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या था द दपरेशन टैक्स वाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन अमाउंटिंग टू बी एट मिलियन है ईयर जो पिछले साल की लाइबिलिटी थी पे कर दी है तो अगर अब कोई बचा है देखना यह है कि पिछले साल कितनी थी फर्स्ट कहने पिछले साल की दस थी और आपने पे की उसमें से आठ तो अभी दो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और फिर जो इस साल प्रोवाइड किया है आपने वो आपको प्रॉफिट में से नजर आना चाहिए तो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट हो जाएगी द प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स वर्क कॉपरेशन टैक्स ट्वेल पॉइंट फाइव मिलियन एंडी फोर टैक्स नाइन मिलियन ये आपने प्रॉफिट को चार्ज किया है प्रॉफिट को डेबिट किया है तो ये भी आपको जब प्रॉफिट निकालना है एडजस्ट करना पड़ेगा द प्रीमियम पेड ऑन रिडमशन डिपेंचर वॉज टू मिलियन विच हैज़ बिन रिटर्न ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अब देखिए ये भी आपने प्रॉफिट से निकाला है, तो इसको भी आपको दिखाना पड़ेगा लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने पे कितना किया दो मिलियन प्रीमियम पर तो अगर आप अपनी वापस जाकर क्वेश्चन को देखें जरा डिबेंचर की फिगर को देखें डिपेंचर है आपके सत्तर मिलियन के अब रह गए हैं आपके थर्टी मिलियन के तो कितना पे हो गया चालीस लेकिन ये चालीस नहीं पे हुआ फोर्टी टू पे हुआ है क्योंकि टू मिलियन प्रीमियम पे किया आपने उसके बाद यदि प्रपोज डिविडेंड हैज़ बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड भी पे हो गया है और जो इस साल का होगा वो फिर आपने प्रॉफिट से प्रोवाइड किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज़्यादा एडजस्टमेंट इसमें नज़र आएंगी आपको एक और इसमें छोटा सा इशू है इंटरेस्ट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फोर फिफ्टी मिलियन तो जो पैसा आएगा कैश की शक्ल में वो आपका सोर्स बन जाएगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप दिखाएंगे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज सिक्स पॉइंट फोर मिलियन अब प्रॉफिट में जो चार्ज हुआ जैसे मैंने कहा ना कि इनकम स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं हमने वहाँ से रिवर्स करके देखना है कि हमारा इन एडजस्टमेंट से पहले प्रॉफिट क्या है ताकि हमने वहाँ से शुरू करना है टरेस्ट ऑफ फो फोर्टी थाउजेंड इज़ इंक्लूडेड इन द्रेडटर्स देखिए क्राइटर्स में तो शामिल नहीं होना चाहिए था इसको आप अलग रखें एक्रूड इंटरेस्ट को तो हम क्या करेंगे कि जो क्राइटर्स आपके नज़र आ रहे हैं ना सिक्स पॉइंट फोर मिलियन के उसमें से हम ये फो फोर पॉइंट फोर्टी थाउजेंड निकाल लेंगे इसको हम इंटरेस्ट के साथ ही एड ऑन करके फिर देखेंगे कि इंटरेस्ट पे कितना हुआ है तो ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसमें इज इंक्लूडेड इन द्रेडिटर्स एंड नील फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी Now we have to prepare uh, the cash flow statement and let's see the, how the cash flow statement is going to be. Thank you very much.